ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण की लाइव कक्षा संख्या 82 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। प्राय करके हमने काफी नियम आपको पढ़ाई दिए हैं, काफी अनुवादों का अभ्यास भी कराया है और अब ये समापन की तरफ चल रहा है। तो आज हम कुछ हमने शब्द रूप आपको पहले बताए थे, कुछ शेष हैं जो प्राथमिक स्तर के लिए हमें शब्द रूप चाहिए, तो उनमें से ही आपके लिए आज एक शब्द रूप को लेकर के आया हूँ। आज हमें एक शब्द का रूप लिखना है और उसकी समानी दूसरे शब्दों के भी रूप बनाना सीखना है। और मित्रों, इस कोर्स के माध्यम से कोई भी व्यक्ति 3 माह में सामान्य स्तर की संस्कृत भाषा को घर पर बैठे बैठे बिना किसी पुस्तक के सीख सकते। मित्रों, इस कोर्स को बनाने के लिए बहुत ही परिश्रम लगा है, परिश्रम व्यय हुआ है, इसमें सामान्य रूप से कोर्स नहीं तैयार हुआ है और आगे हमें इसी तरह के और भी कोर्सेस तैयार करने हैं मित्रों, और निरंतर ये अभियान चलाना है। इसके लिए प्रत्येक पाठक से हम निवेदन करेंगे कि 1 करोड़ लोगों को उनके घर पर ही ऑनलाइन निशुल्क शुद्ध संस्कृत का लेखन तथा संभाषण सिखाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। इसको आपके सब प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है, आपके मानसिक सहयोग की आवश्यकता है, आपके आत्मिक सहयोग की आवश्यकता है, आपके आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। सामाजिक सहयोग से तात्पर्य है कि आप इस चैनल से अधिक लोगों को जोड़ करके संस्कृत भाषा को सीखने के लिए प्रेरित कीजिएगा, जिससे वो यहाँ पर सीखें। कोई फीस नहीं ली जा रही है, कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। आप किसी को भी निवेदन कर सकते हैं कि आप संस्कृत भाषा को सीखिएगा। और इसके साथ ही आपका मानसिक सहयोग हमें ये चाहिए कि आप हमेशा अपने अंतर मन में इस प्रकार का विचार करते रहें कि संस्कृत भाषा को हमें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसके कार्य को हम समाज में ले जाएंगे। और मित्रों, आर्थिक सहयोग के बिना भी कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। प्रत्येक पाठक अथवा प्रत्येक देववाणी संस्कृतम यूट्यूब का दर्शक अथवा संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में रुचि रखने वाला कोई भी महानुभाव स्त्री पुरुष इस अभियान में अपना आर्थिक सहयोग देना चाहिए। इसके लिए मित्रों, मैं आपसे बार बार निवेदन करता रहता हूं कि इस अभियान को चलाने के लिए मुझे मासिक सदस्य चाहिए। मासिक सदस्य अर्थात आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इस महान यज्ञ में अपनी आहुति डालते रहें, प्रति माह हमें सहयोग भेजते रहें। जितना भी सहयोग आपसे बन पड़े, जितना अधिक से अधिक बन पड़े उतना दीजिएगा। अच्छा काम हो रहा है, ठीक है, अच्छे काम में अधिक से अधिक सहयोग देना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी इस अभियान में मासिक सदस्य अवश्य बने। इस कोर्स को बाद में भी लोग पढ़ेंगे, ये ना सोचे कि ये तो पढ़ा दिया, नहीं, आप आगे और कार्य करने के लिए हमें सहयोग करते रहें हमेशा, ठीक है।
तभी ये संस्थान चल पाएगा। निःशुल्क हम चला रहे हैं, किसी से कोई शुल्क रूप में नहीं ले रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, ये अकाउंट नंबर दिया गया, ऐसे अकाउंट से सारी गतिविधियां संचालित होती हैं मित्रों। तो आप अपने ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर सूचना अवश्य दें। चलिएगा, आप कक्षा का आरंभ करते हैं मित्रों। ये शब्द रूप थे, हमने इस प्राथमिक स्तर के इस कोर्स में आपको राम शब्द के रूप का ह्रस्व कारांत पुल्लिंग के रूप आपको याद कराए, बनाना भी सिखाया है आपको, लता के भी कराए आकारांत स्त्रीलिंग के, ठीक है। जल शब्द जो नपुंसक लिंग है अकारांत, उसके हमने रूप आपको बनाना और या स्मरण कराए हैं। अग्नि शब्द है एकारांत पुल्लिंग है ये, मति शब्द है एकारांत स्त्रीलिंग है, वारी शब्द है एकारांत नपुंसक लिंग है, नदी शब्द है दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसका भी रूप आपको याद करा दिया है। और गुरु शब्द का उकारांत का पुल्लिंग का रूप हमने याद कराया आपको, धेनु का भी करा दिया ह्रस्वकारांत स्त्रीलिंग का, और मधु शब्द का उकारांत नपुंसक लिंग इसका भी हमने याद करा दिया आपको, वधु दीर्घ ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्द का भी रूप याद कराया हमने आपको, कर्त्री शब्द ऋकारांत पुल्लिंग का भी करा दिया, नपुंसक लिंग का भी करा दिया और स्त्रीलिंग का भी करा दिया, तीनों लिंगों का करा दिया है। गो शब्द ओकारांत पुल्लिंग है ये, तो इसका भी रूप मैंने आपको याद करा दिया। इतने शब्दों के प्रकार के रूप मैंने आपको याद करा दिए, और इस टाइप के अब आप हजारों लाखों शब्दों के रूप अपना आप बना सकें, ऐसा मैंने आपको शिक्षण भी दे दिया है, आपको सिखा भी दिया है संक्षिप्त प्रत्ययों के माध्यम से। ये विशेष है, ये TGT PGT आदि परीक्षाओं में यही तो लगते हैं मुख्य रूप से, वही मैंने लिए हुए हैं आपके लिए। तो इस संस्कृत शिक्षण की क्लास में भी काम आ रहे हैं और आप तैयारी करते हैं उसमें भी कार्य आ जाएंगे, ठीक है। आगे कुछ शब्द रूप और बचे हुए हैं, तो आज मैं आपके लिए एक शब्द, प्रसिद्ध शब्द है राजन, ये शब्द है राजन, ध्यान देंगे राजन का ये कैसा है। वास्तव में ये यहां हम नकारांत नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम अनंत, ऐसा लिखेंगे, ये नकारांत दिख रहा है परंतु वास्तव में इसको ऐसा नहीं बोलते अनंत, ये अनंत वाला है, इसके अंत में क्या है अन है, ना अंत में दिख रहा है परंतु अन हमको इसको लेना है, ठीक है। तो ये अनंत है, अनंत वाला पुल्लिंग शब्द है राजन, ठीक। इसके हमको ये बहुत प्रसिद्ध शब्द है, आप साहित्य को भी पढ़ेंगे तब भी राजा राजा शब्द आएगा, पर राजा के लिए हमने दूसरा शब्द भी आपको याद कराया था नृपः, उसका तो राम के समान चलता है। और भी शब्द हैं, भूपति है, भूपति का अर्थ भी राजा होता है, पर राजन शब्द का भी बहुत प्रयोग है। और जो अनंत पुल्लिंग शब्द हैं और इसी प्रकार के, उनको भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक। तो आइएगा, कॉपी उठाइएगा, नोटबुक को और पेन उठाइएगा और तैयार हो जाइएगा लिखने के लिए। राजन शब्द के रूप पहले लिखते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा अनंत पुल्लिंग। चलिएगा, ये शब्द रूप आ गए आपके, चलिएगा ये आप देख रहे हैं पूरा ये शब्द रूप है, पूरा संबोधन तक का है, ठीक है। ये राजन, राजन का अर्थ होता है राजा, और ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। यहां मैंने एक वचन लिखा हुआ है, ये द्विवचन लिखा हुआ है, ये बहुवचन लिखा हुआ है, पूर्व वाली प्रक्रिया है। यहां पर लेफ्ट साइड में मैंने प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये आपकी सारी विभक्तियां लिखी है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे यहां इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन में दो रूप बनते हैं, इसके ये बता देंगे आपको, दो रूप बनते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिएगा, अब लिखना आरंभ कीजिएगा, लिख लीजिएगा राजन, लिख लीजिएगा राजन का अर्थ राजा है और ये पुल्लिंग है, लिख लिया आपने, लिखिए राजा
राजानाऊ राजाना राजानम राजानौ राज्यः राज्या ये ज्ञा है जो यज्ञ वाला ज्ञा राज्या राजभ्याम राजभिः राज्ये राजभ्याम राजभ्याः राज्याः राजभ्याम राजभ्याः राज्याः राज्योः राज्यम् राजनि दूसरा लिखिएगा राज्य राज्य इसको बोलने में कठिनाई होगी पर लिख लीजिएगा आप प्रयोग इसका भी कर सकते हैं राज्यों हो राजसु हे राजन हे राजानौ हे राजानाः ठीक है जी ये राजन शब्द के पूरे आपको मैंने रूप लिखा दिए ठीक है अभी उच्चारण भी करा दूंगा एक दो बार तो प्रैक्टिस हो जाएगी फिर याद आपको करना पड़ेगा ये बहुत प्रसिद्ध है इसका बहुत प्रयोग है ध्यान देंगे राजन शब्द के समान ही और भी बहुत सारे नका अनंत अनंत वाले शब्द हैं अनंत वाले शब्द हैं तो उनके रूप भी बिल्कुल ऐसे ही चलते हैं परंतु थोड़ा सा हम आपको तरीका बताएंगे संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके आप कैसे बनाएंगे ठीक है चलिएगा जैसे मैंने आपके लिए यहां पर कुछ शब्द लिख दिए चार पांच शब्द उतने ज्यादा भी अनंत पुल्लिंग नहीं है परंतु है जैसे पूषण शब्द है ये क्या है पूषण पूषण का अर्थ होता है सूर्य इसका प्रयोग वेदों के अंदर उपनिषदों के अंदर किया गया है ठीक है काफी किया गया पूषण शब्द पूषण का अर्थ सूर्य होता है और ईश्वर भी होता है कई अर्थ होते हैं पूषण
ये क्या है, ये भी अनंत वाला पुल्लिंग शब्द है, अनंत है, लिख लीजिएगा। ऐसे ही मूर्धन शब्द है, मूर्धन क्या शब्द है ये, मूर्धन। मूर्धन का अर्थ होता है सिर या मस्तक भी बोलते हैं, ठीक है, माथा भी बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मूर्धन। और इस पूरे को भी बोलते हैं मूर्धा, ठीक है, मूर्धा काट भी, अथवा इस माथे को भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, दोनों लिख दिया, सिर अथवा मस्तक। मस्तक का भी अर्थ होता है, ये भी मस्तक का अर्थ होता है, मस्तक का अर्थ पूरा भी बोलते हैं, ठीक है, प्रचलन में ये मूर्धन शब्द है। तीसरा शब्द है आपका ग्रावन। ग्रावन का अर्थ होता है पत्थर, स्टोन होता है, उसको बोलते हैं ग्रावन, ठीक है। अच्छा, ये कुछ नहीं बड़ा है, एक जैसा तक्षण है एक शब्द। तक्षण माने बढ़ई, जो लकड़ी आदि को का जो किबाड़ आदि बनाते हैं, कुर्सी टेबल आदि बनाते हैं, उनको बोलते हैं तक्षण। उक्षण, ये बढ़ई है, उक्षण, उक्षण का अर्थ होता है बैल। एक तो गौ का अर्थ भी बैल होता है, मैंने बताया था, एक उक्षण का अर्थ होता है बैल, और वृषभ का अर्थ भी बैल होता है, ठीक है। तो ये अनंत, अनंत है पुल्लिंग, उक्षण माने बैल, बैल, ठीक है। ये पांच, चार पांच शब्द मैंने आपको लिखाए हैं, पांच शब्दों के आपको रूप बना करके प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आप और भी शब्द होंगे जो भी, उनके भी सबके चला सकें, ठीक है। देखिएगा, आप संक्षिप्त प्रत्यय देख लीजिएगा, जो संक्षिप्त प्रत्यय लिखिएगा पहले, संक्षिप्त प्रत्यय बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा संक्षिप्त प्रत्यय। वही लिखिएगा एक वचन और द्विवचन और बहुवचन, और प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, इस क्रम से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए लिखिएगा आ, आनाउ, आनाहा, आनम, आनाउ, नाहा, ना, अभ्याम, अभी, ने, अभ्याम, अभ्याह, नाहा, अभ्याम, अभ्याह, नाहा, नोह, नाम, आनि, नि, नोह, आसु, अन,
आनऊ आनाहा ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखने संक्षिप्त प्रत्यय आप जितने भी पुल्लिंग अनंत शब्द हैं उन सब के रूप आराम से बना दें ठीक है। आप देखिएगा ये ध्यान रखेंगे आप क्या करना है जो भी कोई अनंत शब्द आप लेंगे और उसका रूप बनाने चलेंगे तो क्या करना है आपको पहले वाली बात को घटाना है। पूषण शब्द है पूषण में से आपको क्या हटा देना है अन को हटा देना है जो अन भाग है ये इसको क्या करना है इसको हटा देना है अर्थात ये अनंत शब्द है इसलिए अन भाग को हटा देना है ठीक है रूप चलाते समय फिर इसमें क्या कर देना है पूष प्लस संक्षिप्त प्रत्यय संक्षिप्त प्रत्यय आपको जोड़ते जाना है ठीक ध्यान रखिए संक्षिप्त प्रत्यय को जोड़ते समय कोई संधि प्राप्त हो रही है कोई संधि का कार्य हो रहा है अथवा जो हमने रा श रि के बाद में न को अण हो जाता है वो वाला नियम प्राप्त हो रहा है यदि तो वो भी कर देना है आपको वो लगा देना है ठीक है। अब आप इसका रूप चलाएंगे तो पूष शब्द में आप क्या करेंगे संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ेंगे। अब देखिएगा आ जाइएगा मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं नहीं तो आप कहेंगे अरे जी बहुत कठिन है कठिन तो नहीं है पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा आ जाए कंप्लीट देखिएगा। यहां पर है ये आपका मैंने लिख दिया पूष ठीक है यही बचा हुआ है इसमें जोड़ना है अब देखिएगा जोड़िएगा आप पूषा। अब यहां पर क्या है पूषाण यहां पर क्या है वो रश के बाद में जो न होता है उसको अण हो जाता है तो ये क्या है यहां शाह आरा मूर्धन्य इसके बाद में जो न मिलेगा आपको अण हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा अण अण हो जाएगा ये इस शब्द के अंदर तो क्या बनेगा पूषाण पूषाण पूषणम पूषाण और यहां क्या बनेगा पूषण क्या पूषण है यहां कैसे लिखेंगे आप ये ऐसे लिखेंगे पूषण ये बनेगा ऐसा ठीक है नहीं तो आप कंफ्यूज पूषण पूषण पूषभ्याम पूषभि पूषणे सब जगह न कोण हो जाएगा पूषभ्याम पूषभ्याः पूषणः पूषभ्याम पूषभ्याः पूषणः पूषणोः पूषणाम ठीक है यहां पर भी ऐसे पूषणाम पूषणी और पूषणी एक बार पूषणी और एक बार पूषणी पूषणो हो पूषसु हे पूषण ध्यान देंगे यहां पर नहीं होगा ये नियम मैंने पहले बता दिया था कि शब्द के अंत में यदि ना होगा तो उसको नहीं होगा हाँ ये ध्यान रखना है ये क्या ये वाला ना क्या है शब्द के अंत में आ रहा है आ रहा है ये पूषण वहां नहीं होगा है समझ में आ रहा आपको यहां पर क्या है अंत में नहीं है बाद में यहां पर क्या है ये ना है और ना के बाद में क्या है आए ध्यान देंगे आ अंत में यहां पर ना अंत में आ रहा है नीचे संबोधन में इसलिए
यहां पर नकोण नहीं होगा, यहां हे पूषण यहां हो जाएगा, हे पूषाण, हे पूषाण। अब कोई भी विद्यार्थी कितना भी कम समझ रखता हो वो आराम से रूप बना सकता है, ठीक है, परिश्रम करेगा तो, माने मेहनत करेगा तो, ध्यान पूर्वक पढ़ेगा तो, अन्यथा तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं आपको ये बताता हूं, मैंने आपको राजन शब्द के रूप याद कराए थे, ये राजन शब्द में ये ज ज ज हो गया कई जगह, क्या हो गया ज, यहां पर रा है परंतु क्या है, रा श से उत्तर न वाला जो नियम मैंने आपको पढ़ाया था वो यहां पर नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि बीच में यहां पर ज आ गया है, क्या आ गया बीच में, ज आ गया, ज का व्यवधान नहीं चलता है, ये नियम आपको पढ़ाया है, ज का व्यवधान नहीं चलेगा। अब देखिएगा यहां हमने कैसे रूप बनाया इसको, देखिए यहां पर हमने, यहां पर देखिए कैसे बन गया ये राज्य बन गया है, तो ये कैसा शब्द था, राजन, राजन में हमने क्या किया, अन हटा दिया, राज बचा, क्या है, अन हटा दिया था राजन का, राज बचा। अब इसमें संक्षिप्त प्रत्यय हमने क्या मिला दिया, ना मिला दिया, ना हा ऐसा मिलाया, यही संक्षिप्त प्रत्यय मैंने आपको दिखाया था। अब यहां पर क्या है, जा और ना, इनमें संधि प्राप्त हो रही है, संधि प्राप्त होगी, हो जाएगी, संधि क्या प्राप्त हो रही है ध्यान देंगे, संधि प्राप्त हो रही है स्तोह चुनाश्चुह, ये संधि पढ़ा दी है मैंने, कि तवर्ग के, तवर्ग को और स को चवर्ग या शवर्ग का योग होने पर तवर्ग को क्या हो जाता है, चवर्ग हो जाता है। अब देखिएगा ये चवर्ग है, चवर्ग का जय और ये तवर्ग है, तो इसका इसके साथ संयोग होने पर तवर्ग को ना को क्या हो जाएगा, चवर्ग हो जाएगा। तो ये पांचवा है, तो पांचवा इसका चवर्ग का क्या होता है, यह होता है, यह हो गया है, ये यह हो गया, ठीक है। और ये जा है, जा और यह को मिलाकर के लिखते हैं तो उसका स्वरूप क्या होता है, ऐसा होता है, ऐसा बनता है, जा या जिया ऐसा इसके अंदर, ये तो मैंने शुरू में ही पढ़ा दिया आपको। तो ये क्या है, जिया ऐसा, ये ऐसे बना है, यहां पर भी आप देख रहे हैं राज्या, तो यहां पर वो ही लगा है सब जगह, या ना को यह हो जाता है स्तोहनाश्चू से, ऐसे यहां पर भी, ठीक है, और दूसरी जगह नहीं होगा, यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा, यहां हुआ है, यहां हुआ है, यहां हुआ है, अन्यत्र नहीं होगा, अन्यत्र वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है, और बाकी समान है, ठीक है। ये मैंने इसमें भी नियम, क्यों इसमें संधि हुई है, नहीं तो आप कहेंगे वो ये कैसे बन गया, ये ऐसे ही बनाया, संक्षिप्त प्रत्ययों से ही बनाया, बनाइएगा अपने आप। चलिए अब आपको मैंने संक्षिप्त प्रत्यय लिखा दिए मित्रों, अब आपको क्या करना है, आपको इन पांच शब्दों के रूप लिखने हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा इसमें तो ना को अणा हो रहा है हर जगह, संक्षिप्त प्रत्यय जो ना है उसको अणा हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, इसमें मूर्धन और आगे मूर्ध बचेगा, ऐसा संक्षिप्त प्रत्यय आप लगाएंगे तो इसमें ना को अणा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बीच में धा आ गया, धा ये व्यवधान इसका नहीं चलेगा, धा का व्यवधान नहीं चलता, इसलिए यहां पर क्या बन जाएगा, मूर्धनाहा, या जब ना जोड़, ना जोड़ेंगे तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, मूर्धना मिला देना है बस आपको, ठीक है, ऐसे ही आगे यहां ना को अणा नहीं होगा, ऐसे ग्राबन यहां पर ना को अणा हो जाएगा, जब इसके रूप चलाएंगे तो संक्षिप्त प्रत्यय का जो ना ना मिलेगा उसको अणा हो जाएगा। तक्षण यहां पर भी हो जाएगा, ठीक है, यहां पर भी हो जाएगा, ये वास्तव में कैसा है, ऐसा बन जाएगा ताक्ष, ये ऐसा। इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें जो ये है इसके अंदर कौन कौन से वर्ण है, पहले का है और फिर शा है, ऐसा है वास्तव में, का और श को मिला करके क्ष बनता है, ठीक है, तो इसलिए इसका रूप चलाएंगे तो श से उत्तर न को अण होता चला जाएगा,
संक्षिप्त प्रत्यय का, ये बात समझ में आनी चाहिए, आ गई होगी। चलिए इसी प्रकार से उक्षण, इसमें इसके रूप चलाएंगे तो भी संक्षिप्त प्रत्यय के न को अण हो जाएगा। इतनी मैंने आपकी सहायता कर दी है जी, और क्या कर सकता हूँ जी, अब पूरा बना करके लिख ही दूंगा, फिर आप क्या करेंगे, फिर सीखे मैं ही सीख जाऊंगा, आप नहीं सीख पाएंगे। तो आपको सीखना है तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। गुरु का काम है सहयोग करना, मैंने सहयोग कर दिया आपको। चलिए तो ये आपको करना है, आ जाइएगा, इसके रूप चला लेते हैं, दो तीन बार मैं प्रैक्टिस करा देता हूं आपको, मेरे साथ में बोलते रहिएगा, ठीक है। आइएगा, जल्दी जल्दी बोलना है थोड़ा सा। राजा राजानौ राजानः राजानम राजानौ राज्ञः राज्ञा राजभ्याम राजभिः राज्ये राजभ्याम राजभ्याः राज्ञः राजभ्याम राजभ्याः राज्ञः राज्योः राज्याम राजानि राज्ये राज्योः राजसु हे राजन हे राजानौ हे राजानः। थोड़ा तेज बोल दिया मैंने क्या, चलिएगा थोड़ा धीरे बोलते हैं, आइए मेरे साथ बोलिएगा। राजा राजानौ राजानः राजानम राजानौ राज्ञः राज्ञा राजभ्याम राजभिः राज्ये राजभ्याम राजभ्याः राज्ञः राजभ्याम राजभ्याः राज्ञः राज्योः राज्याम राजानि राज्ये राज्योः राजसु हे राजन हे राजानौ हे राजानः। चलिएगा अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक, याद कीजिएगा। चलिएगा, इसी शब्द से संबंधित मैं आपको पांच अनुवाद बनाने के लिए दे रहा हूं, उनको आपको लिखिएगा, इनको अनुवाद बनाना है, और अगली कक्षा में मैं आपको प्रयास करूंगा, बता दूंगा कि इनका ये बनेगा, ठीक है। वैसे तो आप बना ही लेंगे, कोई परेशानी नहीं है, सरल है। चलिएगा, अनुवाद अभ्यास पांच वाक्य दे रहा हूं, अधिक नहीं दे रहा हूं आपको, ठीक है। लिखिएगा, पहला वाक्य है, राजा राजमहल में रहता है। यहां पर क्या करना है, रहता के लिए नी पूर्वक वस धातु का प्रयोग करना है, मैं लिखा दिया है, पुण्य व सत्य ऐसा आ जाएगा, ठीक है। नंबर दो, राजा का परिवार राजा के साथ ही राजमहल में रहता है। अभी थोड़ा सा बड़ा है, आप बना सकते हैं, राजा का अर्थ जानते हैं, का होता है जिसके पीछे उसमें कौन सी विभक्ति लगती है, ठीक है। परिवार शब्द परिवार पुल्लिंग में संस्कृत में का शब्द है परिवार। राजमहल के लिए मैं आपको बता देता हूं, राजमहल क्या अर्थ, राजमहल के संस्कृत का शब्द होता है प्रासाद, ठीक है, ये होता है प्रासाद। प्रासाद का अर्थ होता है संस्कृत में राजमहल, ठीक है। नंबर तीन लिखिएगा, सिर झुकता है, झुकता है, झुकना के लिए नम धातु का प्रयोग करना है। चौथा है, पत्थर गिरा, गिरा ये भूतकाल, गिरा। ये पत धातु का प्रयोग करना है, पत। पांचवा वाक्य अंतिम, बड़ ही यहां आता है, बढ़ई यहां आता है।
चलिएगा, ये आपका होमवर्क हो गया, इसको कीजिएगा। आगे की कक्षा में मिलते हैं, नए शब्द को लेकर के आऊंगा। अभी काफी शब्द आपके बचे हुए हैं, उनको धीरे धीरे कराता हूँ, और भी कुछ एक दो चीज बची हुई है इस कोर्स की, वो भी आपको कंप्लीट करा देता हूँ। चलिए तो मित्रों, आपसे फिर अंत में निवेदन किया जाता है कि आप सभी प्रत्येक पाठक जो भी पढ़ रहे हैं अथवा भविष्य में पढ़े, प्रत्येक पाठक अपने सामर्थ्य से इस महान यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करते रहिएगा। हमें बोलना ना पड़े किसी को, हम कितना बोलते हैं, कितना बोलते हैं, और हजारों लोग देखते हैं पर कुछ ही गिने चुने लोग सहयोग कर रहे हैं। चलिएगा, जो भी कर रहे हैं उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, परंतु हम सभी से निवेदन करते हैं कि सभी लोग इस महान कार्य में अपना सहयोग प्रदान कीजिएगा। ये ऋषियों की विद्या है, इसको आप, हम निःशुल्क दे रहे हैं, हमारा काम है निःशुल्क देना, परंतु आप निःशुल्क की अपनी आदत मत बनाइएगा। निःशुल्क की आदत बनाना, हम निःशुल्क इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि संस्कृत भाषा को लोग शुरू में पैसा दे करके पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि संस्कृत को पढ़ें। ये तो आप समझेंगे कि हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं, संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए कार्य कर रहे हैं। परंतु आप अपने मन में ऐसा विचार कीजिएगा, नहीं, हमको निःशुल्क कुछ भी नहीं लेना है, हम संस्कृत सीख रहे हैं, ये अच्छी बात है, हमको एक अवसर मिला है, परंतु हम इस संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए अपनी आहुति जरूर देंगे। ऐसा विचार, ये एक श्रेष्ठ विचार है, सुविचार है, ये आत्म कल्याण का विचार है। आप ऐसा मत कहिए कि मैं पैसे मांगने के लिए आपको ऐसी मीठी मीठी बातें कर रहा हूं, नहीं, ये सत्य बात है, ठीक है, ये सत्य बात है, बढ़ा करके नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है। इस कार्य, अच्छे कार्य में आप सहयोग देंगे तो आपके अंदर अच्छाई अपने आप आती जाएगी। और ध्यान दीजिएगा, यदि आप अच्छे कार्य में सहयोग नहीं देते हैं तो आपको बुरे कार्यों में सहयोग देना ही होगा। ये दुनिया का सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति को दो अच्छे और बुरे दो मार्गों में से एक मार्ग को अपनाना पड़ता है। जो लोग अच्छे मार्ग को नहीं अपनाते उनको बुरा मार्ग अपनाना ही पड़ता है, और जो लोग अच्छा मार्ग अपना लेते हैं, अच्छे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, उनसे बुरे मार्ग और बुराइयां दूर होती जाती हैं। ये सिद्धांत है, ये मेरा सिद्धांत नहीं है, ये ऋषियों का सिद्धांत है, ये संसार का सिद्धांत है। इसलिए मैं तो आपको इस महान कार्य में, अच्छे कार्य में जोड़ना चाहता हूं, जिससे आप अपने आप अच्छे बनते जाएं, आपके परिवार में लोग आगे अच्छे बनते जाएं, ठीक है। तो आप अपना आर्थिक सहयोग दीजिएगा, चलिएगा मित्रों, और इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क अवश्य कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर्वेभ्यो नमः।